देखो रुपए आज जब बात करें तो मैं 350 में ही मशीन दे रहा हूँ, जो मैंने काफी वीडियोस में बोला भी है। मतलब 350,000 रुपए में मात्र में दे रहा हूँ मशीन का रेट, पूरे जहाँ भी हो कोई सी भी हो हर एरिया में पहुँचा रहा हूँ। प्रिंटिंग होने के बाद में कटिंग होता है उसका। सर जरा मुझे एक बार बताइए क्या प्रोसेस है इसका जरा कुछ। जी बिल्कुल, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये फाइनल है। ये देखिए राकेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे साथियों को एक छोटा सा परिचय दीजिए, फिर हम बिजनेस की बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। राधा रानी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अपना फर्म है जो कि राजस्थान में है। अच्छा जी बिल्कुल। सर आज जो आप मेरे साथियों को बिजनेस बताने वाले जी, वो कौन सा बिजनेस आइडिया? देखो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में मेरा टोटल जो बिजनेस है लघु उद्योग से संबंधित है, जो भी रिलेटेड है वो मैंने आपको पूरे चीज बता भी चुका हूँ। और आज मैं फिर से एक बार वापस से एक ऐसी जगह पे मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को जी। जो कि एक आने वाला समय भी आपके लिए बिजनेस सेव पॉइंट में होगा, जो कि एक पेपर प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना काम होगा जो कभी लाइफ में भी बंद नहीं होने वाला। मतलब पेपर से संबंधित? जी पेपर से रिलेटेड ही होगा, जो डिस्पोजल जिसे अपन बोलते हैं। अच्छा। जिसमें अपना पेपर कप जो आता है डिस्पोजल वाला मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ अपने क्लाइंट्स पॉइंट पे। अच्छा। जो कि आप इस चीज को मतलब डायरेक्टली आप इसको विजिट करेंगे और समझेंगे, वो आपको मैं आज अब बताऊं। तो ये पेपर कप का बिजनेस सर कितने रुपए से शुरू हो सकता है? देखो रुपए की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। देखो पेपर कप का बिजनेस जब स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था तो ये 10 लाख अराउंडली इसका वो था। आज अब बात करें तो मैं 350 में ही मशीन दे रहा हूँ, जो मैंने काफी वीडियोज में बोला भी है। मतलब 350,000 रुपए में मात्र में दे रहा हूँ मशीन का रेट, पूरे जहाँ भी हो कोई सी भी हो हर एरिया में पहुँचा रहा हूँ सर। अच्छा जी। 350,000 की जो मशीन है, हाँ जी सर, क्या ये नया मशीन होगा या इसमें? डेफिनेटली नया मशीन ही दूंगा। हर चीज वही चीज मैंने सोच के करी है, पूरा कस्टमर के हाथ में नया मशीन ही जाएगा। अच्छा। 350,000 रुपए में ही जाएगा, जो कि मेटेरियल से लेके सब कुछ लेके अगर बात करें तो 4-4.5 लाख में आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो जो लोग सोच नहीं पाते थे पेपर कप बिजनेस स्टार्ट करना, आज वो इजीली सोच पाएंगे कि वी कैन डू इट इजीली शुरू कर। यस देखा साथियों, ये सब पहली बार हुआ है। इसी बिजनेस को शुरू करने के लिए सर खुद कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने साल में पीछे जाए आप तो 10 लाख रुपया लगता था, 8 लाख रुपया लगता था इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। पर सर का कहना 3.5 लाख रुपये में आपको बिजनेस शुरू करा देंगे। तो हम सर एक बात और जानेंगे कि जो कस्टमर पॉइंट पे आप मुझे लेके चल रहे हैं उनका क्या मैन्युफैक्चर मशीन खुद लगा रखी हो? जी 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 बिल्कुल, उन्होंने अपना खुद का मशीन पूरा सेटअप लगा रखा है। इवन तक उन्होंने पेपर तक का भी प्रोडक्ट लगा रखा है। अच्छा। वो मटेरियल खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट ये कि हम उन्हीं के थ्रू आपको ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी बैठा हो इंसान, हम उनसे आपको माल का देने का भी सिस्टम आपका बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा मटेरियल से लेके। काफी कस्टमर का इशू भी है, पिछले वीडियो में भी था और इस एरिया का भी मैं बता रहा हूँ कि एक भावनगर का एरिया है जो गुजरात में पड़ता है अपना। जी जी, जी। तो ऐसे एरिया में लोग बैठे हैं जो ऑल इंडिया ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे इंडिया का कोई सा भी कोना हो, इजीली आपको टोटल पेपर आपको अवेलेबल होगा, जो कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मतलब आप मशीन देंगे और पेपर की भी गारंटी लेते हैं? या डेफिनेटली अपन पेपर का भी गारंटी ले रहे हैं और इवन तक अपन सेल की भी ले रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कस्टमर फेसेस नहीं कर पा रहा, सेल नहीं कर पा रहा जी, तो इजीली हमसे कांटेक्ट करें, हम करवाएंगे उसका भी एरिया वाइज, हम बिल्कुल उसका हेल्प करवाएंगे। अच्छा। ऑपरेटर्स की भी प्रॉब्लम, मान लो कुछ बाय चांस कभी क्या होता है मशीनरी में प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है, तो ऑपरेटर्स नियर बाय उनके एरिया में भी अवेलेबल होता है, ये भी हम उसका हेल्प करेंगे। तो सर जो पेपर कप बनता है वो इस तरह का मटेरियल आता है? जी जी, इसका जो ये है रॉ मटेरियल है जो कि अपना ब्लैंक्स जिसमें बनता है उसका। अच्छा। ये एक रॉ मटेरियल का है। अच्छा। रोल आता है इसका, कंप्लीटली रोल में है ये पूरा। अच्छा। उसके बाद में उस मशीनों पे जाके इनकी कटिंग प्रिंटिंग सब कुछ होता है। अच्छा, पहले इस तरह का रॉ मटेरियल? हाँ, डायरेक्टली ये रोलिंग में आता है, उसके बाद में मशीनों पे चढ़ के इनका कटिंग होता है, प्रिंटिंग होने के बाद में कटिंग होता है उसका। सर जरा मुझे एक बार बताइए क्या प्रोसेस है इसका जरा कुछ। जी बिल्कुल, आइए मैं दिखाता हूँ आपको जी अपने रोल्स हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं प्रिंटिंग। तो सबसे पहले क्या काम होता है सर इसका? ये आप देख लो प्रिंटिंग हो रहा है। अच्छा, तो इसका प्रोसेस बताइए सर जरा। देखो सर ये आपका ये पूरा रोल है, आप देख सकते हैं ये रोल है इस मशीन का, ये रोलिंग चल रहा है जी। स्मूथली देखो आप,
सर क्या किया जाता है, ये तो मान लीजिए रोल बन के तैयार हो जाएगा, आप फिर क्या करेंगे इसका? उसका ये कम्प्लीटली रोल बनेगा, उसके बाद में कटिंग पे जाएगा पूरा। अच्छा जी, ये कटिंग कटिंग मशीन इधर है, टोटली रहता है अपना ये। साथियों प्रिंटिंग मशीन हो गया, अब कटिंग मशीन भी हम आ जाएंगे। जब ये फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा तो इस तरह का बनेगा सर जी। फिर ये आपका रोलिंग रहा, जो रोलिंग अच्छा। इस तरीके से रहता है अपना। अच्छा ये रोलिंग है जी, इस तरह का। साथियों देखना, ये मशीन चला के फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। फिर उसके बाद इसका कटिंग कैसे होता होगा सर? इसका कटिंग इसी मशीन से होता है। डाई लगी होती है, ब्लॉक होता है इसका पूरा, हर साइज की हर डाई होती है अलग अलग। अच्छा जी, ठीक है। उसका डाई ब्लॉक बनता है, उस डाई ब्लॉक के अकॉर्डिंग फिर उसकी कटिंग होती है कम्प्लीटली। ये फाइनल प्रोडक्ट है, देखना साथियों इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, तैयार हो रहा है। ये देखना, आप देख सकते हैं ये फाइनल है। ये देखना इस तरह का आपको पेपर बना बनाया, उसके बाद जब ये निकाल देंगे तो इसका कप बनता होगा जी। ये ऑटोमेटिकली आपका टूट भी जाता है, ये देखना ऑटोमेटिक निकल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कटिंग ऑलरेडी हो रखी है इनका, ये कटिंग मशीन है, इसी कटिंग मशीन के लिए ये लगाया गया है जी जी। अरे वाह, देखना साथियों आप मशीन मटेरियल सब ले सकते हैं सर के साथ। ये देख सकते हैं बॉटम है, ये बॉटम है और ये मटेरियल है। ये मटेरियल इस तरीके से अपना रहता है सर। ये तो होगा प्रोडक्ट बनाने का, बाकी ये इसका जो मान लीजिए कोई मशीन लेना चाहता हो, संपर्क करना चाहता हो और अपना प्लांट लगाना चाहता है तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है सर? देखो अगर किसी को अगर बड़ा प्लांट भी लगाना हो पेपर अपना मैन्युफैक्चरिंग का जी जी, तो थोड़ा सा कॉस्टली बैठता है, बट आप कर सकते हो इस चीज़ को। अगर जो करने का है जिसमें है कि मैं ये वाला भी करना चाहूँगा, तो डेफिनेटली मेरे स्क्रीन पर नंबर भी होंगे, व्हाट्सएप पर भी होंगे, तो पूरी डिटेल्स मेरे से ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम मेरे से। जो भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहें, पूछना हो क्या होता है कैसे नहीं होता है, वो पूरा डिटेल्स में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे करना है। बिल्कुल सर, आइए देखते हैं सर। जो भी राकेश सर ने आज मशीन दिए हैं वो सभी मशीन आपको यहाँ दिखाएंगे और बताएंगे कि राकेश सर के पास कौन कौन सी मशीन आपने यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। जी सर, आइए साथियों देखते हैं, ये सब मशीन आपने दिया है सर? जी सर। तो ये कौन सी मशीन है सर, इसका क्या स्पीड है? ये अपना पेपर कप मशीन है, हाई स्पीड का है, जो कि अपने 250 ml है आपका, 250 ml का आपका जो ग्लास, 250 ml का है जी, 250 ml के जो सबसे हाई है। इस तरीके से आपका पैकिंग मटेरियल है, अरे इस तरीके से रेडी होता है। आगे भी देखते हैं हम लोग, ये कितने ml की मशीन है? ये 80 ml की मशीन है सर। बताइए 85 होते हैं सर, 95% है। अच्छा ये कौन सी मशीन? ये वही मशीन है। अच्छा 75 से गारंटी भी देते होंगे ये? एक साल की गारंटी। अच्छा
आपका खुद का मैन्युफैक्चर है, पेपर का भी मैन्युफैक्चर करते हैं और कप का भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या वे बेहतर बिजनेस आइडिया सर को दिए हैं बताए हैं तो सर, कितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ आप? हमारे पास 40 बंदे हैं। मतलब 40 लोगों को रोजगार देने की इन्होंने गारंटी लिया है, सर बहुत अच्छी बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों से, जो भी बिजनेस को देखे हैं अभी तक समझे हैं, तो यही बोलूँगा मेरे युवा साथियों से, इस बिजनेस को ज्वाइन करो और डेफिनेटली अपने आने वाले फ्यूचर को, बिजनेस को सेव कर सकते हैं। जो जितना कर पाएगा कोशिश है कि एक मशीन लगा के स्टार्टर लें, धीरे धीरे इसको करने के बाद में आपको आइडिया लगेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप अपने आप ही 1 से 10 मशीनों तक, 13-14 मशीनों के आसपास, जैसे छगन भाई किस तरीके से पहुँचे, डेफिनेटली आप ही वो कर पाओगे, यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।